नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। सुबह 7:04 हो चुके हैं और आइए नजर डालते हैं यूपी की 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां वो आलाकमान से मुलाकात करेंगे, यूपी बीजेपी में बदलाव समेत कई मामलों पर मंथन करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी है, जहां हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फिर सुनवाई होगी। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर है। शुक्रवार को सीएम योगी ने कोरोना को लेकर एक बैठक की, जिसमें बचाव और सतर्कता के साथ साथ तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। चौथी बड़ी खबर है सिक्किम हादसे की, जहां शहीद हुए 16 जवानों में यूपी के 4 लाल भी शामिल हैं, जिनके पार्थिव शरीर को आज लखनऊ लाया जा सकता है। और पांचवी बड़ी खबर केंद्रीय कैबिनेट की है, जहां शुक्रवार को सरकार ने पूर्व सैनिकों को न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है। ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन में संशोधन और 1 साल तक की फ्री राशन योजना को बढ़ाया है। और सबसे पहले बात करते हैं, आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सुबह करीब 9:30 लखनऊ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। करीब 11 वो यूपी सदन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां वो केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी भूपेंद्र सिंह चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। संगठन महामंत्री की अगर बात की जाए यानी धनपाल की बात की जाए तो वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी में बदलाव को लेकर ये बड़ी बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम योगी केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान यूपी को लेकर भी बड़ी बैठक हो सकती है। सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। वहीं संगठन महामंत्री धनपाल भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 9:30 पहुंचने के बाद वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। बीजेपी सांसद कौशल किशोर, महापौर संयुक्ता भाटिया मौजूद रहेंगी। आज और कल सुबह 10 से शाम 5 तक आयोजन होगा। विकास नगर स्थित मिनी स्टेडियम में स्वास्थ्य मेला लगेगा। अटल स्वास्थ्य मेले में सरकारी और निजी संस्थान मुफ्त सेवाएं देंगे। 60 से ज्यादा सरकारी और निजी चिकित्सालयों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मेले में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल का वितरण